सेकेंड सेकंड ईयर आज का लेक्चर वन पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर फोर है जिसके लास्ट टू पार्ट्स हमारे रह गए थे ठीक है आज हम वो करते हैं तो फर्स्ट टेंथ पार्ट जो है उसकी स्टेटमेंट है लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो ई पार वन ओवर एक्स माइनस वन एंड ई पार वन ओवर एक्स प्लस वन एंड हीस इज नेगेटिव ठीक है तो x अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे हम x को रिप्लेस कर देते हैं माइनस ट्री से क्योंकि x वो कह रहा है नेगेटिव है तो जब अब जब पुटिंग की हमने तो हमारा जो वेरिएबल पे लिमिट है वो भी चेंज होगा अगर x अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को देन टी भी अप्रोच करेगा ज़ीरो को क्योंकि एक्स को जीरो रखेंगे तो टी अल्टीमेटली ज़ीरो हो जाएगा सो so, जो हमारी स्टेटमेंट है वो चेंज हो जाएगी टी अप्रोचेज टू ज़ीरो ई पार एक्स की जगह पे माइनस टी माइनस वन ई एक्स जगह पे माइनस टी प्लस वन ठीक हो गया अब आप यहाँ पे क्या करेंगे लिमिट टी अप्रोच टू ज़ीरो ई की पावर माइनस वन ओवर टी माइनस वन ई की पावर माइनस वन ओवर टी प्लस वन अब आप अप्लाई करें लिमिट जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे टी अप्रोच कर रहा है जीरो को सो दिस इज़ माइनस वन ओवर ज़ीरो माइनस वन दिस इज़ माइनस वन ओवर ज़ीरो प्लस वन पी की जगह पे ज़ीरो कर दिया अब वन ओवर ज़ीरो इज़ ऑलवेज़ इंफिनिटी ठीक है माइनस वन ई पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस वन ठीक है लेकिन यहाँ पे ई e की पार माइनस इन्फिनिटी जो है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो हमेशा ज़ीरो होती है ठीक है ई की पावर माइनस इन्फिनिटी वाई क्योंकि ई की पावर इन्फिनिटी जो है वो तो इन्फिनिटी ही होती है लेकिन जो ई पावर माइनस इन्फिनिटी है उसको लिखा जा सकता है वन ओवर ई पावर इन्फिनिटी पावर प्लस कर लें अब वन एज इट इज़ नीचे इन्फिनिटी आ गया एंड वन ओवर इन्फिनिटी इज ऑलवेज़ इक्वल टू जीरो ठीक है ये रिजल्ट्स आपने याद रखने हैं कि वन ओवर जीरो जो होता है वो इन्फिनिटी होता है वन ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो होता है दो रिजल्ट्स ये हैं एक की पावर माइनस इन्फिनिटी भी जीरो होता है वो कैसे ज़ीरो है कि माइनस इन्फिनिटी थी पावर वन ओवर इन्फिनिटी कर लें प्लस में अब ई इन्फिनिटी तो ऑलवेज़ इन्फिनिटी होता है ठीक है तो उस सूरत में वन ओवर इन्फिनिटी आ गया बट वन ओवर इन्फिनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो ठीक है तो इस तरह से इस केस में ये ज़ीरो माइनस वन एंड जीरो प्लस वन तो आंसर हमारा बना ज़ीरो माइनस वन जीरो प्लस वन सो आंसर इज़ माइनस वन क्लियर अब इसका लास्ट पार्ट है पार्ट इलेवन इसमें क्या है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो ई पार वन ओवर एक्स माइनस वन ई पार वन ओवर एक्स प्लस वन बट हियर एक्स इज़ पॉजिटिव लास्ट क्वेश्चन में हमने एक्स को रिप्लेस किया था क्योंकि एक्स नेगेटिव था तो उसको माइनस थ्री के कुल पुट कर लिया हमने बट यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है सो तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है एज इट इज़ दिखें ई पार वन ओवर एक्स माइनस वन ई पार वन ओवर एक्स प्लस वन अब यहाँ पर हम क्या करेंगे अगर हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो ई पार इन्फिनिटी इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगी अनडिफाइंड फॉर्म ठीक है इस फॉर्म से बचने के लिए हम इसको थोड़ा सा सिम्प्लीफाई करेंगे ठीक है सिम्प्लीफाई कैसे करेंगे कि ई की पावर वन ओवर एक्स यहाँ से कॉमन लिया यहाँ पे वन बच गया और यहाँ पे आ जाएगा वन ओवर ई पावर वन आवर एक्स क्योंकि यहाँ पे नहीं था तो इसे डिवाइड हो गया यहाँ भी कॉमन ले लें यहाँ वन प्लस वन ओवर ई की पावर एक्स आ जाएगा ये कैंसल आउट हो गया लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो ठीक है यहाँ पे आ गया वन माइनस वन की पार ई ओ सॉरी ई की पार वन ओवर एक्स वन प्लस वन ओवर ई की पार वन ओवर एक्स अब यहाँ आप अप्लाई करें लिमिट लिमिट अप्लाई करेंगे ये आ गया वन माइनस वन ओवर ई पार वन ओवर जीरो वन प्लस वन ओवर ई पार वन ओवर जीरो अब यहाँ से वन माइनस एज इट इज़ वन ई पार ज़ीरो इज इंफिनिटी ठीक है वन प्लस वन ओवर ई पार वन ओवर जीरो इज इंफिनिटी नाउ दिस इज़ वन ओवर ई पावर इन्फिनिटी इज इंफिनिटी वन प्लस वन इन्फिनिटी वन ओवर इन्फिनिटी इज जीरो एंड वन प्लस जीरो आंसर इज़ वन ओवर वन दैट इज़ वन मतलब जब एक्स नेगेटिव था तो आंसर हमारे पास माइनस वन आया व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो जब एक्स पॉजिटिव है तो आंसर हमारा प्लस वन आएगा क्लियर तो इन दोनों क्वेश्चंस को देखें कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं अपनी अटेंडेंस जो है वो मेंशन कर दें कमेंट बॉक्स में